सो फाइनली दोस्तों SDGMO भाई साहब, दोस्तों कल धमाकेदार पोस्टर आया जिसमें संदीप पाजी का बैकग्राउंड देखने को मिला एंड कई लोग जो है ना वो जल के राख हो गए इस पोस्टर के द्वारा। भाई मुझे समझ ही नहीं आता कि संदीप पाजी की फिल्मों का प्रमोशन क्यों नहीं करते बॉलीवुडिया, ये गटर वुडिया संदीप पाजी से नफरत क्यों करती दोस्तों? क्या संदीप पाजी इसी लायक है या संदीप पाजी के खिलाफ ही पूरा एक साजिश किया जाता है? दोस्तों आपको बता दूं कि कल संदीप पाजी का पोस्टर आया एंड मैं खुद भी इतना ज़्यादा बिजी था, बहुत ही अलग एक जोन में था मैं, बट फिर भी मैंने इसका अपडेट दिया एंड गाइज आप लोगों ने भर के प्यार दिया, भर भर के कमेंट किया, थैंक यू सो मच दोस्तों सनी देओल फैंस, मैं आपको नमन करता हूँ, ऐसे प्यार देते रहो दोस्तों। और कल तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला दोस्तों, बताऊंगा और कल हम क्या प्लान करें वही बताऊंगा एंड गाइज बड़े बड़े सरप्राइज रखा है मैंने कल आपके लिए गाइज, तो तैयार जाना क्योंकि एक बड़ा धमाका करेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ सनी पाजी बर्थडे। गाइज देखो दोस्तों, सनी पाजी की SDGM की मूवी का फर्स्ट लुक जारी किया गया कल पीपल मीडिया फैक्ट्री गोपीचंद एंड दोस्तों मैत्री मूवी मेकर जो इसके प्रोड्यूसर है, जो कि पुष्पा 2 के प्रोड्यूसर है। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर ने एक पोस्टर शेयर किया एंड यूजुअली क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रेड क्रिटिक्स भी प्रमोशन करते हैं, लेकिन भाई साहब मैं ये देख रहा हूँ कि साउथ के लोगों में तो बहुत क्रेज इस फिल्म को लेकर, बट बॉलीवुड के लोग यार ये आलिया भट्ट की जिगर आती है तो अपना कलेजा फाड़ के निकाल देते हैं, भैया फिल्म आ रही, फिल्म आ रही, फिल्म आ रही है। अब भाई साहब विक्की विद्या का फिल्म आ जाए टी सीरीज का तो भाई साहब जमीन पे लेट जाएंगे और प्रमोशन फुल चालू। लेकिन जैसे ही दोस्तों सन्नी पाजी की फिल्में आती हैं, इनकी सांसें और इनके डायपर सूख जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। गाइस वीडियो पूरा देखना, लाइक कमेंट करना क्योंकि खोलूंगा पोल, आ गया रवि चौधरी, सबकी खोलूंगा पोल दोस्तों, सारे करूंगा बड़े खुला से। आइए शुरू करते हैं। सवाल दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहूँगा लेकिन आपको बता दूं मैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा जो है एक दुखी फील कर रहा हूँ, एक जिसे कहते हैं बेचारा फील कर रहा हूँ, क्योंकि यार सन्नी पाजी का कल धांसू पोस्टर आया, साउथ के बड़े बड़े क्रिटिक्स, साउथ के बड़े बड़े जो प्रमोशन करते हैं, जो जिसकी क्या बोलते हैं यूट्यूबर भी जहाँ तक ही साउथ के, उन्होंने SDGM के इस फर्स्ट लुक पोस्टर को बहुत अच्छा बताया एंड गाइस सन्नी पाजी फाड़ देगा भाई, फाड़ देगा। मतलब मैंने कल दो शब्दों में कहा था कि भाई इस पोस्टर को मैं सच बताऊँ तो 5 में से 10 नंबर दूंगा। अभी तो सिर्फ ये बैग दिखाया है, संदीप पाजी ने अपना बैग दिखा के लोगों के फ्रंट गायब कर दिए। अब सोचो संदीप पाजी का फ्रंट दिखेगा कल, भाई क्या ही बवाल हो जाएगा भाई। फाइटिंग सीन्स तो ना गजब है, पोस्टर बड़ा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है एंड हर लोगों ने शेयर किया, लेकिन भाई साहब बॉलीवुड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सो कॉल्ड समोसा क्रिटिक्स, भाई उन्होंने संदीप पाजी की इसकी पोस्टर को शेयर नहीं किया, इसके अनाउंसमेंट को शेयर नहीं किया एंड गाइस मुझे बहुत दुख होता है कि इन लोगों को क्या पैसा नहीं मिला, इन लोगों को समोसे के साथ चटनी नहीं मिली। ये लोग संदीप पाजी की फिल्मों को गदर को भी गटर बताया, गदर 2 को भी भोजपुरी बताया एंड नाउ SDGM को प्रमोट ही नहीं कर रहे, जबकि इनको पता है कि SDGM में कमी नहीं निकाल सकते, फिर भी SDGM की प्रमोशंस के लिए क्या इनको अलग से समोसा देना पड़ेगा गाइस? सो गाइस कल मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हुआ, सीरियसली बहुत दुखी हुआ मैं, और मेरा मन है यार क्या बताओ यार दोस्तों, ठेस पहुंची है मेरे को। इतना अच्छा पोस्टर सन्नी पाजी का एंड गाइज नोबडी इज प्रमोटिंग एंड साउथ की PR तो पूरा काम कर रही है, लेकिन नॉर्थ की बॉलीवुड की PR को क्या हो गया यार, क्या हम ही बच्चे? दोस्तों को बता दूं मैं, बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो SDGM में प्रमोट कर रहे हैं एंड आपका भाई तो स्टार्टिंग से प्रमोट कर रहा है, लेकिन छपरियों को मैं बता दूं दोस्तों कि भाई साहब तुम कितने भी इस फिल्म को नेगलेक्ट कर लो, कितने भी फिल्म को अवॉइड करो, संदीप पाजी की फिल्में ना भाई गले से नीचे पचा नहीं पाओगे, क्योंकि ये फिल्में संदीप पाजी के 1000 करोड़ के दावा ठोक के करती है। आप कितने भी दोस्तों सनी देओल की फिल्मों को अवॉइड कर लो, बट ये फिल्में बॉक्स ऑफिस में दहाड़ेगी। गाइस आपको बता दूं कि संदीप पाजी की SDGM बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें रणदीप हुड्डा मेन विलन है एंड रणदीप हुड्डा का मैंने लुक भी बताया था आपको। गाइस आपको ये भी बता दूं मैं कि भले ही ये लोग PR नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाए, लेकिन जब तक आप लोग जिंदा हो ना भाई, हम लोग यहाँ बैठे हैं प्रमोशन करने के लिए, जब तक आप लोगों का सपोर्ट है ना गाइज, हम लोग इस फिल्म को प्रमोट पूरी तरीके से करेंगे और दिखा दो किसमें दम है, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि हम SDGM को ये बता देंगे कि भैया क्या ही बवाल करने वाले हैं। 19 अक्टूबर को कल आएगा धमाकेदार दोस्तों पोस्टर एंड आपको बता दूं दोस्तों आज रात 9 बजे मैं लाइव भी आऊँगा, क्योंकि कल हम बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं दोस्तों। कल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि आप लोग हैं तो संदीप पाजी है और आप लोग हैं तो मैं हूँ दोस्तों, और आप सबको पता है कि आप लोग ही संदीप पाजी को सपोर्ट करते हैं, नोबडी इज सपोर्टिंग टू संदीप पाजी। सॉरी दोस्तों थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है, लेकिन आपको ये बताने की चेष्टा करूंगा दोस्तों मैं, कल हम 11 बजे
गाइज कल आपको एक सरप्राइज मिलेगा, 11 बजे सरप्राइज दूंगा कल 11 बजे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना कल की 11 बजे की वीडियो को, क्योंकि सिर्फ पोस्टर का रिव्यू नहीं करूँगा मैं, बट एक ऐसा सरप्राइज मैंने प्लान किया आप लोगों के लिए कि जब आप उसको देखोगे तो वो सरप्राइज सिर्फ आपके लिए और सन्नी पाजी के लिए गाइज, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने आपके लिए स्पेशली वो किया हुआ है। तो प्लीज़ कोई बंदा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग छूटोगे तो फिर यार मेरा मन में ठेस पहुंचेगा गाइज। सो कल 11 बजे आपके लिए एक प्लान किया है सरप्राइज सन्नी पाजी के लिए भी। एंड दोस्तों कल कम से कम 1:30 बजे दोपहर में लाइव आऊँगा मैं, तो प्लीज़ कल रेडी रहना, क्योंकि कल सन्नी पाजी के ओकेजन में हम लाइव आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। एंड कल का टाइम सिर्फ सिर्फ आपके लिए ही मैंने निकाला है गाइज। SDGM बहुत बड़ी फिल्म है और इस फिल्म का लगभग 150 करोड़ के आसपास की फिल्म है। कल का जो पोस्टर आएगा लगभग मोशन पोस्टर आएगा सन्नी पाजी के बर्थडे में, जिसमें सन्नी पाजी का दोस्तों ये आपने बैक लुक देखा, जो फ्रंट लुक की बात की जा रही है पोस्टर की, वो बहुत ही फाड़ू पोस्टर आने वाला है। आई मीन सन्नी पाजी का लुक आने वाला है जिसके अंदर सन्नी पाजी भाई साहब, मतलब समझ लो भाई ये उंगली करने वाला लुक आने वाला है सन्नी पाजी का। एक ऐसा लुक आने वाला, हाथ में भैया चलेगी बंदूक है एंड हाथ में होगी AK-47 या कोई अस्त्र शस्त्र है। सन्नी पाजी के हाथ में गदर टू में हथौड़ा था, यहाँ तो भाई साहब पूरा सन्नी पाजी धो डालेंगे दोस्तों। और ये लोग छपरी लोगों ने कल बहुत नफरत फैलाई इस फिल्म को लेकर। भाई ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है, इस फिल्म के अंदर रेगिना कैसेंड्रा, सयामी खेर, रणदीप हुड्डा जैसे मेन विलन, उपेंद्र लिमे, तमाम आयाशी क्या बोलते हैं क्या नाम है एक और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है आयशा खान वो भी है। सो गाइस ये बहुत बड़ी फिल्म है, डोंट मिस दिस फिल्म। एंड जो भी ये लोग, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि जो लोग ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं भाई फैला लो, क्योंकि हम फिल्म को हमेशा सन्नी पाजी की प्रमोट करते रहेंगे, चाहे जितने भी छपरी लोग हो। गाइज SDGM का कल का पोस्टर जो है कब तक आ सकता है, कई लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कल का पोस्टर जो है वो लगभग आपको बता दूं दोस्तों कि दोपहर तक मतलब 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो कल 1 बजे तक मुझे उम्मीद लग रही है कल 1 बजे पोस्टर आ जाएगा सन्नी पाजी का दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, 1 बजे तक सन्नी पाजी का धमाकेदार पोस्टर आ जाएगा। और कल सन्नी पाजी का बर्थडे भी दोस्तों, कई तो सन्नी देओल फैंस क्लब भी सन्नी पाजी का बर्थडे प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। एंड कल प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि कल हम सन्नी पाजी के लिए, मैंने स्पेशली उनके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज रखा है और वो आपके लिए भी है दोस्तों। तो दोस्तों SDGM के जितने भी हेट नेगेटिविटी फैला रहे हैं आंडू पांडू छपरी लोग, उनके लिए क्या कहोगे। एंड जो लोग बॉलीवुड में, ये जो बॉलीवुडिया है गटर वुडिया है, जो सन्नी पाजी की इस पोस्ट को एक बंदे ने भी शेयर नहीं किया, चाहे मैं किसी भी ट्रेड क्रिटिक्स का नाम लो ना भाई, एक बंदे ने भी सन्नी पाजी के इसके पोस्टर को शेयर नहीं किया सन्नी पाजी के, भाई मुझे तो हैरानी हो रही है। ये लोग जिसको पैसा मिलता है ना भाई, 1000 रुपये के लिए मर जाते हैं यार, ये लोग 1000 रुपये के लिए गिर जाते हैं, इनको समाज में अच्छे लोग बुरे लोग की पहचान नहीं है। सन्नी पाजी वेल रेपुटेड इंसान है, लेकिन दोस्तों सन्नी पाजी कोई कदर नहीं करते यार ये लोग, और हम लोग करते हैं तो हमें ये लोग फेक बताए थे, हमें ये लोग नफरत करते हैं। गाइज अगर मैं अच्छे इंसान का सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसमें नफरत क्या बात है। एंड मुझे पता है दोस्तों ये लोग कितने भी नफरत करें, बट आप लोगों का प्यार हमेशा ही बना है और बने रहेगा। SDGM को दोस्तों आपको बता दूं कि जल्दी ही बुक माई शो पे इंटरेस्ट चालू होने वाला है, लाहौर तो दोस्तों पक्का पोस्टपोन होने वाली है, लिख के ले लो बात। ये मैं एक अभी से नहीं बोल रहा हूँ, अभी 3-4 महीने पहले से बोल रहा हूँ पोस्टपोन होगी गाइज। तो दोस्तों लेट्स सी क्या होता है, लाहौर पर तो कुछ नहीं आ रहा है बट SDGM पर आ रहा है, तो हमें थोड़ी सी सुकून मिल रही है गाइज। क्या लगता है दोस्तों SDGM कब आनी चाहिए, रिलीज डेट कब होनी चाहिए, उसमें रिलीज डेट भी मेंशन होगा शायद लगभग अगले साल ही आएगी। एंड क्या लगता है दोस्तों SDGM बॉक्स ऑफिस में दहाड़ेगी, क्या ये गटर वुडिया लोग जो नफरत कर रहे हैं, जो गदर से नफरत किया था, क्या ये गटर वुडियो को कड़ा जवाब मिलेगा SDGM के द्वारा। गाइज कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गाइज प्यार देते रहो। क्या SDGM का पोस्टर कैसा लगा और कल का धमाकेदार पोस्टर के लिए क्या लगता है दोस्तों ये पोस्टर कैसा होगा, कमेंट करो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लव यू दोस्तों, बाय।